हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ साइलेंट होता है। कि कहाँ साइलेंट होता है यह हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार इंग्लिश का गलत उच्चारण कर देते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद यन आता है और उसके बाद कोई वावेल ए ई आई ओ यू आता है तो वहाँ ज़्यादातर के का उच्चारण नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के एन आई जी एच टी नाइट, न कि इसे पढ़ेंगे कनाइट। इसमें के इसलिए साइलेंट है क्योंकि के बाद यन आया है और यन के बाद वावेल आई आया है, इसलिए के को साइलेंट रखा जाता है और इसे नाइट पढ़ा जाता है। के एन ओ डब्ल्यू नो, न कि इसे पढ़ेंगे क्नो। के इसमें इसलिए साइलेंट है क्योंकि के बाद यन आया है, यन के बाद वावेल ओ आया है, इसलिए के साइलेंट है और इसे नो पढ़ेंगे। के एन आई एफ ई नाइफ, न कि इसे पढ़ेंगे कनाइफ। के इसमें इसलिए साइलेंट कर दिया गया है क्योंकि के बाद यन आया है और वावेल आई आया है, इसलिए के साइलेंट है और इसे नाइफ पढ़ेंगे। के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई नॉलेज, न कि इसे पढ़ेंगे कनॉलेज। के इसमें इसलिए साइलेंट है क्योंकि के बाद यन आया है और यन के बाद वावेल ओ आया है, इसलिए के को साइलेंट रखा जाएगा और सिर्फ नॉलेज पढ़ा जाएगा। दोस्तों, अगर अगला पार्ट इसका देखना चाहते हैं तो उसमें बताया जाएगा कि यस को कब साइलेंट रखा जाता है। तो अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी उसका वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे आप जान सकें यस कहाँ साइलेंट होता है। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।